आजमगढ़ शहर में कई कॉलोनियों में पिछले 15 दिन से लगा जल जमाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि पानी के लगे रहने से काफी गंदगी हो गई है और संक्रमण बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। प्रशासन तमाम विभागों के संबंध में से पानी निकलने में लगा है, लेकिन अगर फुल स्पीड में काम भी होगा तो भी 4 दिन चलेंगे। 16 सितंबर से हुई बारिश से आजमगढ़ शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। तीन तरफ से शहर को घेर कर बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर आ गई थी, जिससे शहर का पानी भी नहीं निकल पाया। स्थिति ये हुई कि 15 दिन पूर्व लगा जल जमाव अभी तक नहीं हटा है। डिपार्टमेंट थे और जिनकी मदद से हम ये पानी निकाल सकते थे, सभी लोगों को बुला के और एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की गई थी। उसका परिणाम ये रहा कि हमें संसाधन जो हमारे पास लिमिटेड थे, तो उन संसाधनों में उन सभी डिपार्टमेंट ने भी सहयोग देके हमारे संसाधनों को बढ़ा दिया और उसका नतीजा ये रहा कि दो प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हम पानी तकरीबन टोटल ड्रेन आउट कर चुके हैं। आज शाम तक वो और एकदम से बिल्कुल पानी का जमाव ख़त्म हो जाएगा, चांदमारी में, और दूसरा प्लेस है मड़िया में। तो कुछ पंप हमको जो है फायर ब्रिगेड वालों ने अवेलेबल कराया। चीनी मिल से हमको 20 HP का पंप मिला, एक 7.5 HP का मिला, एक 3 से 4 HP का मोनोब्लॉक मिला, ठीक है। और सिंचाई विभाग से भी हमें कुछ पंप मिले। बाड़खंड वाले जो है डीजल पंपों के लिए जो है डीजल देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से जो है, और यहाँ पे 20 HP हम करीब 8 पंप से पानी निकाल रहे थे बागेश्वर में। अभी वर्तमान में पालिका के संसाधनों से वो निकल रहा था। वहाँ पे 20 HP का पंप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बन गया है और ह्यूम पाइप डाल के आज शाम तक हम उस पानी को भी निकालना जो है सुनिश्चित कर लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर जिस हिसाब से हम पानी निकालने की व्यवस्था कर चुके हैं, उस हिसाब से तो संभवतः जो है 3-4 दिन में कोल घाट का पानी निकल जाना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। सर, दवाओं का वितरण छिड़काव, दवाओं का वितरण और छिड़काव के लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे और उसमें उन प्रयासों को बढ़ाते हुए हमने आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन किया। उन्होंने जो आपदा मित्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर हमने 5 टीमें बनाई हैं, जिसमें 4-4, 5-5 आपदा प्रबंधन के बच्चे हैं, आपदा मित्र हैं, उनके साथ उनका एक लीडर है। आप और हमारे डिपार्टमेंट के एक आदमी उनके साथ मिलकर जितने भी बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, इवन हम पूरी नगर पालिका को ही कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो पानी भरा हुआ एरिया वहाँ का भी पानी और कई बार लीकेज के थ्रू भी जो पानी पहुँचता है पाइपलाइन से, उसके भी दूषित होने की संभावना बनी रहती है। तो इस मौसम में पानी किसी भी प्रकार से जो है दूषित ना होने पाए, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने टीमें